So after taking a little oral test, now we will be starting with the lecture and the test will continue in the next period as well. ठीक है? So gym students से अभी नहीं सुना गया, उनसे next period में सुना जाएगा. So let's start with the types of retailing trade. ये हमने कल start किया था कि retailers जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम उनको classify करते हैं on the basis of their you know whether they own a fixed shop or not. On that basis, retailers are of two types. One, itinerant retailers, and another, fixed shop retailers. So itinerant retailers, bete, are the traders who do not have the fixed place of business to operate from. They keep on moving with their wares from one street to another, from one place to another, right? So what are the basic features of itinerant retailers? मतलब जो itinerant retailers हैं उनमें क्या common characteristics, features पाए जाते हैं? ठीक है? Firstly, they are small traders operating with limited limited resources. Obviously, had they had you know large resources with them, they would have a shop of their own. But they do not have their place to operate from, which means they have the limited resources with them and they are the small traders. ठीक है? Secondly, they normally deal in consumer products of daily use such as toiletry products, fruits, vegetables and so on. So far I have given you many examples के भाई बेटे ये आप आइसक्रीम खाते हो, आप वेजिटेबल सेलर से वेजीज लेते हो, आप फ्रूट सेलर से फ्रूट्स लेते हो, आप जूस पीते हो, है ना? ये मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी इटिनरेंट रिटेलर्स की, ये देखो ये सारी कंज्यूमर गुड्स हैं जो डेली यूज में आती हैं, है ना? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं. अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो ये लोग अपने वेयर्स लेके होम टू होम नहीं घूमते हैं. ठीक है? तो itinerant retailers normally deal in consumer products of daily use, जैसे कि टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स. आपके घर के बाहर कोई ऐसा भी सेलर आता है जो अपने उसमें प्लास्टिक गुड्स कोई भी आपको चाहिए है, बकेट्स होती हैं उसके पास, छोटे मोटे स्टील के बर्तन भी होते हैं और कोई भी टॉयलेटरी सोप्स वगैरह भी होते हैं, आप नैपकिन्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के मिसलेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पास, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या है, डेली यूज products hai. Theek hai? Thirdly, the emphasis of such traders is on providing greater consumer service by making the products available at the very doorstep of the consumers. Ye traders ka emphasis hai ki hum consumer ko zyada service provide kare, uske doorstep ke upar hi usko hum service provide kar sake. ठीक है? सारे प्रोडक्ट्स उसके डोर स्टेप पे, यानी कंज्यूमर को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना हो, हम ये उसको प्रोडक्ट्स जो है डोर स्टेप पे. अब जैसे वेजिटेबल्स हैं बेटे, आपको घर में डेली वेजिटेबल्स बनती है और वेजिटेबल्स पेरिशेबल होती हैं. दाल भी रोज बनती है, लेकिन दाल आप शॉप में से जाके महीने की, दो महीने की, तीन महीने की घर में स्टोर करके रख सकते हैं, यानी आपको मंथ में एक बार ही जाना पड़ेगा और आप ग्रोसरी ले आओगे अपनी. ठीक है? अब वेजिटेबल्स भी डेली बनती है, लेकिन आप वेजिटेबल्स एक बारी लाके महीने की स्टोर नहीं कर सकते. दीज आर पेरिशेबल, सो विच मींस यू हैव टू गो टू मार्केट डेली डेली टू बाय वेजिटेबल्स. सो इंस्टेड इफ अ ट्रेडर कम्स एट योर डोर स्टेप एंड प्रोवाइड्स यू विद द प्रोडक्ट्स, वुडंट यू बी हैप्पी? ठीक है? तो ट्रेडर, ये जो ट्रेडर्स हैं इनका एम्फेसिस है आपको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल करवा के. ठीक है? देन दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट टू ऑपरेट फ्रॉम. इटिनरेंट रिटेलर्स होते ही वो हैं कि जिनके पास कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है, इसीलिए वो अपनी जो मर्केंडाइज है, ठीक है, जिसमें ये डील करते हैं, मर्केंडाइज मीन्स जिन गुड्स में ये डील करते हैं उसकी इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री of merchandise? You have to know, being students of accountancy. Yes, Ramneet Singh.
मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री नो ईशा इन्वेंट्री मीन्स वैल्यू ऑफ गुड नो बेटे किसी को नहीं मालूम हर्षिका यस मैम व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री मैम इन्वेंट्री means the stock which is kept with the seller. Yes, inventory means stock. ठीक है जो आपकी inventory है यानी stock है merchandise का वो ज्यादा नहीं रख सकता itinerant retailer. क्यों क्योंकि उसके पास कोई fixed shop नहीं है लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ सामान तो रखना पड़ेगा उसको वो कहाँ रखता है generally अपने घर में रख लेता है कोई यहाँ कोई एक छोटी सी जगह उसने जो ली होती है वहां पर रख लेता है ठीक है सो दीज आर दी इटिनरेंट रिटेलर्स इसके मैं सिर्फ कौन कौन से इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ रीजन बीइंग दीज आर नॉट इन अवर सिलेबस अवर सिलेबस हैव बीन कट शॉर्ट सो इटिनरेंट रिटेलर्स इज नो मोर इन अवर सिलेबस सो फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने मीनिंग बता दिया फीचर्स बता दिए तो मैं टाइप्स हम ऊपर ऊपर से मैं ऐसे बता देती हूँ आपको कौन कौन से इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं One is peddlers and hawkers. Peddlers and hawkers, you know, these are the oldest form of retailers in the market. But oldest जरूर हैं. अभी भी उनकी significance कम नहीं हुई है. अभी भी peddlers and hawkers जो हैं modern times में भी they have not lost their utility. ठीक है. Peddlers and hawkers हम किन को बोलते हैं बेटे? Small प्रोड्यूसर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं ट्रेडर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को या साइकिल के ऊपर या सिर के ऊपर या रिक्शा के ऊपर लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं ठीक है जैसे कि मैंने बताया आइसक्रीम सेलर है गुलाब जामुन कोई बेचने आता है कोई भेलपुरी वाला है ठीक है ये सब या कोई वेजिटेबल सेलर फ्रूट सेलर या कोई इवन रिपेयर करने के लिए आता है घर के बाहर कोई कुकर ठीक करने आता है तो कोई भी ऐसे जो ट्रेडर्स हैं ये इनको क्या कहते हैं पेडलर्स एंड हॉकर्स जो कि अपने गुड्स को या किसी हैंड कार्ट में ठेले में या रिक्शा में या सिर के ऊपर लेके या साइकिल में लेके घूमते हैं ठीक है अब ये जो लोग हैं ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड और लो वैल्यू गुड्स में ही डील करते हैं ठीक है इवन आपने देखा होगा बाहर शॉल बेचने वाले आते हैं कारपेट बेचने वाले आते हैं या टॉयज बेचने वाले आते हैं ये सब पेडलर्स एंड हॉकर्स हैं ठीक है सेकंड है बेटे मार्केट ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपनी शॉप्स को अलग अलग जगह पर एक एक पर्टिकुलर डे पे खोलते हैं जैसे हम कहते हैं ना संडे बाजार लगा हुआ है दिल्ली में ये चीजें बहुत कॉमन है बुध बाजार लगता है कहीं पे ठीक है कहीं पे मंगल बाजार लगता है यानी अब एक रिटेलर है वो संडे बाजार में अपनी शॉप लगाता है विच मींस वो एक पर्टिकुलर जिन भी गुड्स में लेट अस से वो क्लॉथ्स में डील करता है या किसी भी चीज में वो डील करता है तो संडे के संडे उसकी एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर उसने जाकर अपनी शॉप लगानी है ठीक है शॉप क्योंकि मेकशिफ्ट शॉप होती है जैसे ठेले होते हैं तो क्योंकि ये इटिनरेंट रिटेलर्स हैं इनके पास फिक्स शॉप नहीं है तो ये होते हैं बेटे मार्केट ट्रेडर्स ठीक है देन देयर आर स्ट्रीट ट्रेडर्स जनरली वो होते हैं जो कि वहां पर अपनी यू नो छोटी सी मेकशिफ्ट शॉप लगाते हैं जहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन फ्लोटिंग मीन्स आती जाती पॉपुलेशन जैसे कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन ठीक है या इस तरह की कोई ऐसी जगह जहां पर लोग आते जाते रहते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स ठीक है ओके देन नेक्स्ट आर चीप जैक्स भी वो हैं जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जिनकी अपनी टेम्परेरी नेचर की शॉप्स हैं वो भी अपना बिजनेस एक लोकेलिटी से दूसरी जगह दूसरी लोकेलिटी में जाते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियलिटी ऑफ द एरिया लेकिन ये नहीं है कि हर हफ्ते वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं एक साल दो साल तीन साल के बाद भी वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं ठीक है जैसे कि रिपेयर ऑफ वॉचेस है शूज है बकेट्स है इसके लिए आपने कोई अपनी यू नो रेड़ी सी फड़ी छोटी सी शॉप सी
बनाई हुई है टेम्परेरी नेचर की, तो कई बार म्युनिसिपैलिटी वाले आपको वहां से उठा देते हैं, आपको वहां से शिफ्ट होना पड़ता है, कई बार आपको लगता है अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं रही है तो यू हैव टू मूव फ्रॉम देयर. ठीक है, ऑल राइट. सो दीज वर द इटिनरेंट रिटेलर्स. सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स इज दैट ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. सो बेटे नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो हैं who maintain permanent establishments to sell their merchandise. ठीक है, they have permanent establishment to sell their merchandise. Therefore, they do not move from place to serve their customers. एक जगह से दूसरी जगह वो move नहीं करते हैं. They have their fixed shops. They operate from those fixed shop to sell their products, that is goods or services. ठीक है, so let us see what are the characteristics of fixed shop retailers. First, compared with the itinerant traders, normally they have greater resources. अगर हम इसको compare करें itinerant retailer से तो they have comparatively greater resources and they operate on relatively large scale. ठीक है, वो लार्ज स्केल के, रिलेटिवली लार्ज स्केल. डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, रिलेटिवली लार्ज स्केल? एनीवन, एज यू आर अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू, रिलेटिवली लार्ज स्केल मींस ओके. देयर इज वन क्वेश्चन इन द chat box, so let me answer that. Himanshu has asked that Kashmirian traders, they move from place to sell their woolen cloths. What type of itinerant retailers are they? Can anyone tell me? Jo Kashmiri traders hain aapke ghar ke bahar, woolen cloths, kabhi carpet bechne aate hain, kabhi shawl bechne aate hain, kabhi woolen kapde bechne aate hain. Theek hai bete, they are peddlers and hawkers. As they are moving from place to place, okay, they are peddlers, right? Harshika, right? Okay, so I was asking another question. Relatively large scale का मतलब है बेटे comparatively. अगर ये relatively word ना हो तो आपका sentence बन जाएगा that they have greater resources and they operate on large scale. Not all the fixed shop retailers operate on large scale. तो इसने comparison किया है itinerant retailer के साथ, तो इसीलिए word use किया relatively large scale, कि जितने funds या resources itinerant retailers के पास होते हैं, fixed shop retailers के पास comparatively उनसे ज्यादा resources होते हैं और वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर काम करते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि फिक्स्ड शॉप में भी टाइप्स हैं. सम आर यू नो स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड अदर्स आर लार्ज स्केल रिटेलर्स. सो वी कैन नॉट से दैट दे ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, बट यस वी कैन से दैट दे ऑपरेट ऑन रिलेटिवली लार्जर स्केल. क्लियर है बेटे? Okay, so however, there are different size groups of fixed shop retailers varying from very small to very large. ठीक है, इसने explain कर दिया next line में कि there are different size groups of fixed shop retailers. Fixed shop का मतलब नहीं है कि सारे large scale पे operate करेंगे. They can operate on very small scale and they can operate on very large scale as well. Right? Then, these retailers may be dealing in different products, including consumer durables as well as non-durables. Ab jo itinerant retailers the, they would deal normally in consumer goods of daily use. Ab bolo ke itinerant retailers TV, fridge, car, aisi cheezein bechenge? Nahi. Aisi cheezon ko ek jagah se dusri jagah leke fir nahi sakte hain. वो जनरली पैरिशेबल या डेली यूज आइटम्स में ही डील करते हैं, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स बेटे ड्यूरेबल्स एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल्स में भी डील करते हैं.
then this category of retailers has greater credibility in the minds of customers, as they are in position to provide greater services to the customers, such as home delivery, guarantees, repairs, credit facilities, availability of spares, etc. So jab a fixed shop retailers ki image credibility as compared to itinerant retailers zyada hoti hai, matlab customer se pucho ki aap given the choice, aap ready se khareedna chahoge ya shop se khareedna chahoge, hai na? Agar aapko koi choice mil rahi hai and you can afford buying from fixed shop retailers, you would definitely say ki main to fir shop se hi khareedunga, main kyun ready se khareedunga. क्यों? क्योंकि रेडी वाला आपको आज दे के चला गया, गुड खराब निकला, तो कल को वो वापस नहीं आया, तो आप किसको बोलोगे? ठीक है? वेयर एज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जो हैं, वो आपको ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आजकल आपको होम डिलीवरी भी कर देते हैं गुड्स की, आपको गारंटीज भी देते हैं गुड की, यानी अगर गुड खराब निकला तो उसको रिप्लेस करके या रिपेयर करके आपको देंगे, ठीक है, रिपेयर्स कर देते हैं गुड्स की, क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं आपको, ठीक है, कि आप उनको बोलो कि अब महीने के बाद मैं आपको बिल चुका दूंगा, दे आर रेडी टू डू सो, एंड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स आल्सो. आपका कोई गुड साल दो साल तीन साल बाद खराब हो जाता है, उसके लिए कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत है, वो आप शॉप से जाके ले सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आपने ऐसा ही गुड इटिनरेंट रिटेलर से लिया हुआ है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो गुड का कोई स्पेयर पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. Right. So this much is clear, bete. Anyone having any doubt? Tomorrow we will be discussing types of fixed shop retailers. ठीक है, next period में भी आपका oral test रहेगा. So be prepared for that.